हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं हूं सुनील। और मैं हूं मुनीश। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। डीनो जेम्स एक रैपर हैं, उनका गाने का टीज़र आया है एक्चुअली, और इसका नाम है निडर। तो आइए इस गाने को देखते हैं और देखते हैं टीज़र में क्या दिखाया इन्होंने। कितना ही एक बार फिर देख सकते हैं इसको। छोटा सा टीजर है, एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि वो शुरू की वर्डिंग मुझे टीचर वीचर कुछ बोला था। कभी घर से कभी, हाँ शुरू से देखते हैं एक बार फिर से। सॉरी ओके, थोड़ा सा समझ तो आया है। इसमें बताया कि जो डीनो जेम्स था इसके अंदर काफ़ी दिनों से छुपा हुआ था और वो निकल के आया है, मतलब तो वो उसका टीचर बन गया है, कुछ इस तरह का है। यानी मेन चीज़ कहते हैं जो उसके अंदर का डर था ना, वो डरता रहता था, लड़ता रहता खुद से, मुझे तो डर था ना, वो डर खत्म हुआ है उसका। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उसने ये कहा बीच में कि शायद वो टीचर, मतलब मेरा वो टीचर बन गया, मतलब जो छुपा हुआ था, और उसका अच्छा। उससे वो निडर हो गया, मतलब वो उसका साथी बन गया। तो साथी बन गया तो वो फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया। ये भी और रैपर्स की तरह, जैसे हमने वो मूवी देखी थी रणवीर कपूर की, गली बॉयज, तो गली बॉयज तो उसमें भी जैसे उन्होंने उसके रणवीर सिंह के गली बॉयज तो उसमें भी मतलब खुद पे रैप लिखे हुए थे। तो ये भी इसने अपने ऊपर ही, यानी जो उसके अंदर का डर था, तो उस डर के बारे में इसने बताया कि हाँ मैं इतना, अगर मैं चीजें कर रहा हूँ तो यानी पहले मुझे डर था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब अपनी लाइफ के ऊपर ही लिखा हुआ है। और इसके जो पहले के गाने वो भी काफी अच्छे हैं, मतलब इसने अपने डॉग पे बनाया था एक गाना, तो वो भी अच्छा था। और इसका जब भी गाना आता है तो ट्रेंडिंग में रहता है, और रैप भी बहुत ही अच्छा आता है। ट्रेंडिंग में तो इनके गाने मैंने हर बार देखे हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब मैंने कभी इनका गाना वैसे नहीं देखा, मतलब तो एक थोड़ा था वो लड़कियों पे था। मैंने फर्स्ट टाइम ही इनके गाने का टीज़र भी पहली बार देखा है। मैं आपको मतलब फ्रैंकली बिल्कुल बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, कि मैंने इनका कोई भी गाना नहीं देखा है। जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने डॉग पे गाना बनाया था, मैंने इनका गाना ही कोई नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कौन किस तरह के गाने बनाते हैं। ये गाना देखा है इस टीजर में, मुझे ये पता चला कि इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक गाना बनाया हुआ, कैसे वो निकल के आए। और शायद इंजीनियरिंग के कपड़े पहने, तो मैं भी इंजीनियर वगैरह हूँ ये पहले, हो सकता है मतलब, या कहीं काम करते हैं फैक्ट्री में, स्ट्रगल दिखाया हुआ। हाँ, स्ट्रगल दिखाया हुआ, नहीं अपनी जो लाइफ का इनके अंदर का था चीजें, तो उसका स्ट्रगल दिखाया हुआ इन्होंने कुछ, कि हाँ भाई वो क्या करना चाहते थे, फिर उन्होंने क्या किया है। तो आई थिंक मेरे को तो लगता है कि ये उसी चीज पे है। तो देखते हैं, गाना आ जाएगा, अभी टीजर है, 2-4 दिन में गाना आ जाएगा, तो एक बार फिर से हम पूरा गाना सुन के रिएक्ट करेंगे, देखेंगे क्या है पूरे सॉन्ग में। तो यही था हमारा रिएक्शन, एक छोटा सा टीजर था इस पे, हमारा रिएक्शन था। और अगर आपको भी कोई वीडियो ऐसे पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका लिंक भेजें, और हम उस पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि टीज़र बहुत छोटा था, 43 सेकंड का था। हाँ, तो इतना ही, मतलब हम इतने रिएक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा क्या बोले, ज़्यादा मैं तो इतना जानता भी नहीं। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगे आपको, हमारा रिएक्शंस अच्छे लगते हो, तो वीडियो लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करें, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें पता चलता है कि लोग आप लोग पसंद कर रहे हो हमारे रिएक्शन को।
नहीं अच्छा लगता डिसलाइक का बटन भी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जरूर, और सब्सक्राइब कर ले चैनल, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ऐसे हमारे रिएक्शन देखना चाहते हैं रेगुलरली तो। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रिएक्ट करें तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन जरूर बताएं हमें। हाँ चलो ओके, थैंक यू, थैंक यू।